हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं बताऊँगी कि आप रोज़ वाटर को डिफरेंट वे में कैसे यूज़ कर सकते हो, लाइक बॉडी के लिए, हेयर के लिए एंड लिप्स के लिए। हर तरह से आप रोज़ वाटर को यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले रोज़ वाटर फॉर डार्क सर्कल। आप सब जानते हो रोज़ वाटर हमारी आइज़ के लिए कितना अच्छा रहता है और हमारे डार्क सर्कल्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। ये हमारी आइज़ को एकदम कूलिंग इफ़ेक्ट देता है तुरंत। तो इसको लगाने के लिए आप रोज़ वाटर में कॉटन बॉल डिप करके इसे आइज़ पर रख सकते हैं और आप इसे नाइट में लगाएं। ये आपके आइज़ को थकान दूर करेगा। एंड सेकंड है रोज़ वाटर एज अ टोनर। रोज़ वाटर एज अ टोनर आप ऐसे ही लगा सकते हैं, स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए एंड इसको फेस पर, बॉडी पर, जहाँ पे भी आपको स्प्रे करना है वहाँ पर स्प्रे कर सकते हैं। ये बहुत ही कूलिंग इफ़ेक्ट देगा हमारी स्किन को और गर्मियों में ज़्यादा फ़ायदा देता है ये। और विंटर्स में भी आप यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा लो। ये डबल मॉइस्चराइज करेगा आपकी स्किन को। सो सेकेंड है यूज़ एज अ टोनर। तो रोज़ वाटर मॉइस्चराइज़र के लिए सबसे बेस्ट है। इसको आप रोज़ वाटर में थोड़ा सा ग्लिसरीन, 2-4 बूंदें ग्लिसरीन की डाल लें और स्प्रे बॉटल में या फिर कॉटन में लेकर आप चेहरे पे लगा लें। ये बेस्ट है मॉइस्चराइज़र विंटर्स के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। आप एलोवेरा जेल एंड रोज़ वाटर मिलाकर भी मॉइस्चराइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है रोज़ वाटर फॉर द लिप्स, लिप केयर के लिए। तो उसके लिए हमें चाहिए रोज़ वाटर एंड हनी, दोनों को मिलाकर एक पेस्ट की तरह बनाकर आप लिप्स पे लगाएं और 15 मिनट या 20 मिनट जैसा भी आपको प्रेफर हो लगा के छोड़ दें और फिर थोड़ी देर बाद वॉश कर लें। तो ये हमारे लिप्स को बहुत अच्छा हाइड्रेशन देता है। एंड नेक्स्ट है रोज़ वाटर फॉर फ्रिजी हेयर। तो उसके लिए आपको चाहिए रोज़ वाटर और उसको स्प्रे बॉटल में भर लेना है। उसके बाद चाहे तो आप कोई सा भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, जो भी आपको प्रेफर हो। तो शाइन के लिए रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको मिक्स करके थोड़ा सा शेक करें और फिर अपने बालों पर स्प्रे करें। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।